कांदिवली पुलिस की टीम ने बॉलीवुड अंदाज में एक चोर को गिरफ्तार किया है रंगे हाथों, क्या है पूरा मामला बताइए। कांदिवली पाटक रोड पे एक मोनिका ज्वेलर्स ज्वेलरी का शॉप है। 18 तारीख के रात में 2:15 बजे के 2:30 बजे के करीब कांदिवली पुलिस को इंटीमेशन मिली कि कुछ चोर लोग चोरी करने के लिए घुसे हैं, तो तुरंत वो दुकान का मालिक भी पुलिस स्टेशन आया था, उनके साथ जगह पे गए तो पुलिस का चावल देख के वो लोग छिप गए और पुलिस ढूंढने के लिए सब छानबीन कर रही थी, तो एक आदमी ने ऊपर से छलांग लगा दी नीचे और भागने की कोशिश की। उसी को ही पुलिस ने EPI मोहिते और API पवार और डिटेक्शन स्टाफ ने उसको दर दबोचा, उसके पैर में जख्म हो गई थी, उसको ताबे में ले लिया। तो उसने उसका नाम सोनू जायसवाल करके बताया। दूसरा जो उसका साथीदार था वो अंधेरे का फायदा लेके भाग गया, उसका नाम रवि यादव करके मालूम पड़ा है। ये लोगों ने वो दुकान की 2-3 दिन पहले छानबीन करके रेकी करके वो पतरे के ऊपर पहले दिन गैस कटर और गैस का बाटला ला के रखा था और घरपोड़ी का बाकी सामान ला के रखा था। रात में 1 बजे के करीब वो दुकान के ऊपर चढ़े और उन्होंने पतरा कट करके, पतरे के नीचे लोखंड का जाली था, वो जाली कट करने के लिए वो गैस कटर का इस्तेमाल कर रहे थे। उसी वक्त वो गैस बाटले का बास आके, जलने का बास आया, तो जो दुकान में सोया था एक नौकर उठा और वो नौकर ने इंटीमेशन दिए थे मालिक और पुलिस को। तुरंत पुलिस गई, एक बड़ा चोरी का हादसा पुलिस ने ये नौकर के वजह से रोका।